सबसे पहले तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आज अष्टमी का दिन है, माँ अपनी कृपा सब पर बनाए रखे। और आज यहाँ आने के बाद गोरेगांव में बांगुर नगर में मैं दिल से कहूँगा कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? एक तो ये होता है कि हम किसी फंक्शन में जाते हैं तो हमें मान इज्जत प्यार मिलता है, लेकिन यहाँ मान इज्जत प्यार के साथ माँ का आशीर्वाद मिला है। तो इसके लिए मैं अपनी पूरी कास्ट की तरफ से, जो इश्क आजकल हमारा जो सीरियल है, जो Z5 वेब सीरीज है, जिसके 3 सीज़न बहुत सक्सेसफुली अब तक टेलीकास्ट हो चुके हैं, उसका 4th सीजन आ रहा है एंड द 4th सीजन इज़ कमिंग ऑन द 20 अक्टूबर को आ रहा है। And stay tuned, of course, by all means. By all means, stay tuned. Your blessings, so, your love, support. Yes. So we have the wonderful team. मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा, बहुत शांति के साथ, धैर्य के साथ, धीरज के साथ, मैं इतना कहना चाहेंगे धीरज जी के साथ, हम जी, exactly, जी, हम लोग कहना चाहेंगे धीरज जी के साथ। जी हाँ, जी हाँ, Z5 का ये जो इतना ब्रिलियंट शो, इट वॉज अ विजुअल ट्रीट। आप अगर फर्स्ट सीजन देखेंगे, इट इज़ अ विजुअल ट्रीट। मनाली की जो जिस हिसाब से मनाली को एक्सपोज किया गया और एक्सप्लॉइट किया गया, आई डोंट थिंक, और सिर्फ लोकेशंस नहीं, स्टोरी इस तरह से ड्रामेटिकली बुनी गई है कि यू हैव टू सी द सेकंड सीजन किस तरीके से। इवन Z5 धीरज जी के साथ काम, आई वर्क विथ हिम इन 2009, एक शो था गणेश लीला, उसके बाद बेटिया नाम का एक शो किया, 10 साल के बाद मौका मिला मुझे दोबारा ये करना, एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट रोल्स आई हैव डन इन माई लाइफ, द ड्यूअल शेड बलराज और बरकत। सर वी इंजॉयड एवरी डे, थोड़ा हमारे वो चलता रहता था, लेकिन बहुत मज़ा आया सर काम करके, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और आई विश कि मैं धीरज जी के साथ काम करता रहूँ, ऐसे ही सीखता रहूँ और अच्छा काम करता रहूँ। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून एंड डू वॉच इश्क आजकल 4th सीजन ऑन 20th तारीख को। ये मेरा पहला वेब सीरीज़ है Z5 के साथ और धीरज जी के साथ, और मुझे काम करके बहुत बहुत इन्जॉय किया मैंने। मैं अपनी लाइफ में मैं जो एक्सपीरियंस लिया वो मैंने आज तक नहीं लिया था। सो प्लीज़ वॉच इट, 20 तारीख को आ रहा है Z5 पर। हम सब ने बहुत मेहनत की है, प्लीज़ आप ज़रूर देखिएगा। सबसे ज़्यादा मेहनत इसमें करिए, जरूर देखिएगा। यस प्लीज़, बहुत मेहनत की है इसको, इसने मतलब एक आदमी 3 बार कैसे मर सकता है। ऑन ए सीरियस नोट मैं इतना कहना चाहूँगा कि आवर कंपनी क्रिएटिव आई लिमिटेड माँ के आशीर्वाद से बहुत एक नाम कमाया है और माँ का आशीर्वाद है। मैं इतना कहना चाहूँगा कि Z5 के साथ जो हमारे संबंध, एक प्रोफेशनल संबंध बने हुए हैं, स्पेशली विद मिस्टर तरुण कात्याल, टीके कहते हैं प्यार से, उनका योगदान हमारे सीरियल में बहुत है, उनकी पूरी टीम का बहुत बड़ा योगदान है। नाम लेना चाहूँगा तो बहुत लंबे नाम हैं, बट ओवरऑल आई मस्ट से माय क्रिएटिव टीम, देयर क्रिएटिव टीम एंड द ब्रिलियंट एक्टर्स वी हैव, हमारे कुछ एक्टर्स आज यहाँ पर नहीं हैं, बट दे हैव डन अ वंडरफुल जॉब। सो आई विश कि माँ का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, व्यूअर्स पर बना रहे। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आखिर में आप लोगों का प्यार, आप लोगों की दुआएँ, आप लोगों का आशीर्वाद हमें चाहिए। और हमेशा मैं अपने लोगों से कहता रहता हूँ कि सपने आँखें खोल कर लीजिए, बंद आँखों से सपने नहीं देखे जाते हैं। और एक लाइन और कहना चाहूँगा कि कुछ पाने के लिए दिल में जुनून चाहिए, रगों में दौड़ता हुआ खून चाहिए, आएगा आसमां भी जमी पे, बस इरादों में फतेह की गूंज चाहिए। ब्रिलियंट। और अंत में एक बार फिर से जोर दीजिए, सारे बोलो जय माता दी। आप सबका जैसे ब्लेसिंग हम लोग को फर्स्ट सीजन में मिला, सेकंड में मिला, थर्ड में मिला, अब हम यही चाहेंगे कि 4th, 5th, 6th उसके बाद ब्लेसिंग मिलते रहें, इसी तरह से हम आपके सामने आते रहें। और बस माता रानी का यही, या भी जरा एक बार मैं यही कहना चाहूँगी कि क्रिएटिव आई के साथ धीरज सर के साथ ही मेरा पहला प्रोजेक्ट था, मेरा वेब सीरीज़ पहला था, और मैंने सच में बहुत इन्जॉय किया जितना मैंने इन लोगों के साथ काम किया। आई रियली एन्जॉयड, और मैं सही में चाहती हूँ कि मैं वापस इन लोगों के साथ फिर काम करूँ, इस प्रोडक्शन हाउस के साथ, धीरज सर के साथ। और चाहती हूँ आप लोग हमारे वेब सीरीज़ को अपने बेस्ट विशेज़ दीजिए, अपना प्यार दीजिए, और देखते रहिए। ये 4th सीज़न आने वाला है 20 अक्टूबर को Z5 पर, और हम चाहते हैं कि हम इसके बाद 5th सीज़न, 6th सीज़न, 7th सीज़न भी करें, बस आपके प्यार की ज़रूरत है। थैंक यू। आज खास हम बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, धीरज जी आज अपना टाइम निकाल के हमारे अष्टमी के दिन आए हैं नवरात्रि में, हमें बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट इट वॉज अ सरप्राइज फॉर अस, ही इज कम विद हिज एंटायर टीम,
हमें बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच सर. माय प्लेजर. इट वाज रियली यू हैव मेड दिस डे मेमोरेबल फॉर अस. ये सब माँ का आशीर्वाद है सर. हम लोग तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं. माँ का आशीर्वाद रहे तो अगले साल भी हम फिर दोबारा आएँ और इसी उत्साह के साथ आपके साथ हम मिल के माँ का गुणगान करें. धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. मैं गुजराती हूँ और गरबा तो मेरा सबसे प्रिय त्यौहार है. और कौन है? मुझे पता नहीं, दी एकता जय माता दी, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लेकर के आ गई. बोलो. हाँ, तो मैं गुजराती हूँ और गरबा मेरा सबसे प्रिय त्यौहार है. और गो सेलिब फर्स्ट टाइम यहाँ पर हो रहा है और बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज किया है वो लोग ने. सूरत गुजरात में काफ़ी सारे सिटीज़ में बहुत सारे इवेंट्स की हुई है और 8 दिन से मैं वीडियोज़ देखती रहती हूँ FB पे, इंस्टा पे वगैरह पे फ़ोटोज़ देखती हूँ. तो पूरा का पूरा ग्राउंड इतना भरा रहता है और गाने सुपर हिट बजते हैं माता जी के कि आपके पैर ऐसे ही खड़े होंगे तो थिरकने लगे. मैं अपने आप को कंट्रोल करके यहाँ पे खड़ी हुई हूँ क्योंकि जो भूमि त्रिवेदी है और उस्मान मीर है, दे आर लेजेंडरी सिंगर इन गरबा स्पेशली. और उन्होंने गुजरात की जो स्पेशलिस्ट हैं उन दोनों को यहाँ पे चून करके लेकर आए हैं. अमेजिंग सॉन्ग्स बजते हैं, अभी भी आप सुन रहे होंगे बैकग्राउंड में. यू कैन नॉट स्टॉप योर सेल्फ. आप यहाँ आओ, गरबा खेलो, फोटोज डालो, हैशटैग गो सेलेब जरूर डालो. हाँ, और जैसे ही मैं आई यहाँ पे, पहले जाके मैंने तो राउंड लगाए, उसके बाद मैं ऊपर आई हूँ और अभी वापस मैं स्टेज पे जाने वाली हूँ और मैं वापस थोड़े गरबे खेलूंगी क्योंकि अभी 2 ही दिन बचे हैं, फिर 1 साल वेट करना पड़ेगा. सो आप सबको हमारी तरफ से और गो सेलेब की तरफ से बहुत बहुत नवरात्र की शुभकामनाएं. जय माता दी. ऐसे नहीं, हम बोलेंगे 1, 2, 3 जय माता दी. बोलो जयकारा शेरावाली का. अम्बे मात, जोर से बोलो जय माता दी. सारे बोलो जय माता दी. अम्बे मात की जय. बोलो श्री अम्बे मात की जय. और सबको अष्टमी की बहुत बहुत बधाई. शुभकामनाएं. एनर्जी में रात के 12 बज गए फिर भी मैंने बहुत अच्छा लगा. ये तो माँ का आशीर्वाद है और आज अष्टमी का दिन है तो मैं समझता हूँ कि माँ ने ही सब में इतना उत्साह भर दिया है कि नाचते रहो लेकिन थकने का नाम नहीं लेने वाले. एब्सोल्युटली. और धीरज जी, आपकी टीम आई है. वी वांट यू टू इंट्रोड्यूस टू द जनता ऑफ गोरेगांव राइट नाउ. बहुत दूर दूर से है. आपकी टीम के बारे में सर आप बताइए, जो आपका सीरीज चल रहा है इश्क आजकल. थैंक यू भाजी. थैंक यू. सबसे पहले मेरे साथ मेरी पूरी टीम है. इससे पहले कि मैं उन्हें कहूँ कि सेल्फ इंट्रो दें, मैं आप लोगों को इतना ही कहना चाहूँगा, अष्टमी का दिन, माँ का आशीर्वाद, हमेशा आप में ऐसा ही उत्साह बना रहे, ऐसे ही आनंद के साथ आप नाचते रहें और माँ की कृपा सब पर बने रहे. ये सब मेरी माँ के चरणों में हमारी तरफ से प्रार्थना है. इससे पहले कि मैं अपनी टीम को इंट्रोड्यूस करूँ, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे साथ मेरे जो और प्रोड्यूसर्स हैं, कहते हैं ना कि अर्ध नारेश्वर, पत्नी के बिना पति अधूरा है. ये आप मानते हैं? पत्नी के बिना पति अधूरा है. तो वैसे ही पत्नी तो मेरी यहाँ नहीं आ पाई है. शिव शक्ति के नाम से हम हमेशा कहते हैं एक दूसरे को. तो जूबी उनका नाम है और मेरे दूसरे प्रोड्यूसर हैं सुनील गुप्ता, वो भी यहाँ नहीं है और मेरी बाकी की टीम के लोग नहीं है. उनकी तरफ से भी आपको माता जी की अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं. इससे पहले कि मैं अपने साथियों को इंट्रोड्यूस करूं और खुद ही एक एक शब्द वो कहें, इश्क आजकल हमारे सीरियल एक नया सीरियल है. आप लोगों के लिए मैंने बहुत धार्मिक धारावाहिक बनाए हैं. ओम नमः शिवाय से लेकर जब तक व्रत, श्री गणेश, गणेश लीला, इश्क आजकल हमारा एक नई वेब सीरीज है जो Zee5 पे 20 अक्टूबर से उसका 4th सीजन आ रहा है. तो डू वॉच, डू सी दैट्स एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा. और इश्क सुभान अल्लाह एक हमारा सीरियल चलता है जी पे, जिसे आप रोज मंडे से फ्राइडे देखते हैं. एंड गॉड इज वेरी काइंड. तो आगे बढ़ने के साथ साथ मैं सबसे पहले अपनी टीम के एक प्रकाश रामचंदानी, जो बरकत अली का रोल निभा रहे हैं, बात कहूंगा बहुत शॉर्ट शॉर्ट में, आप लोगों से दो दो शब्द कह दें. थैंक यू. कमल प्रकाश. सबसे पहले जोर से बोलो जय माता दी. मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा आपके.
मैंने धीरज जी के साथ क्रिएटिव हॉल में 2009 में काम किया था गणेश लीला नाम के एक सीरियल में, उसके बाद बेटियां नाम के एक शो में किया, और अब दोबारा मौका मिला 10 साल बाद उनके साथ काम करने का। बहुत मजा आया, एक टोटली डिफरेंट कैरेक्टर, इट इज अ विजुअल ट्रीट, प्लीज गो एंड वॉच Z5 पे। जून में हमारा फर्स्ट सीजन आया था और अभी चौथा सीजन आ रहा है, प्लीज वॉच, इट्स अ विजुअल ट्रीट। थैंक यू धीरज जी। थैंक यू। यस ब्रदर। जय माता दी। मेरा नाम रशिल बांगे है एंड एज धीरज जी ने बताया कि हमारा जो नया वेब सीरीज है जिसके 3 सीजन ऑलरेडी आ चुके हैं, चौथा इस 20 तारीख को आ रहा है, जो जरूर देखेगा। हमने बहुत मेहनत करी है, बहुत अच्छा काम किया है और मेरे को भी इनके साथ दूसरी बार काम करने का मौका मिला है। इससे पहले मैंने इनका एक शो किया था नियति, जिसमें काफ़ी मुझे मेरी तारीफ करी गई थी काम की, और जो अच्छा शो था हमारा बहुत। और ये जो अब 20 तारीख को हमारा जो 4th सीजन आ रहा है, एज ए प्रकाश जी ने बताया, विजुअल ट्रीट है, डू वॉच एंड स्टे ट्यून। थैंक यू। थैंक यू। जय माता दी। केम छो बथाना मारा तरफ दी। जय श्री कृष्ण। आप सबके साथ गरबा करके हम लोग को बहुत मजा आया, हम लोग को भी ऐसा लगा जैसे हम भी आपके साथ ही गरबा कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, हमें अपने साथ गरबा करने के लिए आपने इनवाइट भी किया। हम आपसे बस यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा Z5 पे आप इश्क आजकल जरूर देखिएगा। ये हमारा 4th सीजन आ रहा है 20 तारीख से, तो हम चाहेंगे कि आपकी ऐसी ब्लेसिंग्स मिलते रहे और इसी तरह हम आप लोग के सामने आते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय माता दी। वैसे सभी ने बता दिया है कि हमारा वेब सीरीज आ रहा है लव आजकल, प्लीज आप जरूर देखिएगा। मैं उसमें एज ए हिना प्ले कर रही हूँ। हम सब ने बहुत बहुत मेहनत की है जो 20 तारीख को आने वाला है, प्लीज आप सब उसको देखिएगा। और जैसे ही प्यार आपने हमारे पिछले सीजन को दिया, ऐसा ही प्यार इस बार भी हमें दीजिएगा। सारे बोलो थैंक यू। जय माता दी। मेरे बाकी सब साथियों ने भी आपसे कह ही दिया है कि प्लीज देखिए, और अब मुझे लगता है कि आप लोग जरूर देखेंगे हमारा शो Z5 पर 4th सीजन। प्लीज 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 देखिएगा, हम सब ने बहुत मेहनत की है और हमें आप सबके प्यार की, आपके साथ की हमेशा जरूरत रहती है। थैंक यू सो मच। હું ગુજરાતી છું અને અહીંયા બધા જ મને લાગે છે ગુજરાતી છે, કે ક્યાં છે ગુજરાતી અહીંયા? ગુજરાતી વગર અહીંયા આટલા બધાનું ભેગું થવું અને ગરબા કરવું મુમકિન જ નથી, બધા હોય ગુજરાતી હોય તો જ ગરબા થાય, શું કેવું તમારું? અરે હા તો બોલો યાર, તમારી સામે ગુજરાતી છોકરી ઊભી છે, ગુજરાતી છોકરી ઊભી છે। મારા છે ને નોન ગુજરાતી ફ્રેન્ડ્સ મને નોર્મલી કહેતા હોય છે કે તમે ગુજરાતી લોકો છે ને 9 દિવસ ગરબા ના આવે એટલે ગાંડા થઈ જાઓ, સાચી વાત? પણ એમને ખબર નથી કે એ પાગલપંથી ગરબા રમવા માટે ગુજરાતી થવું પડે, સાચી વાત? કેટલા ગુજરાતી હા પાડે છે વાતને? એમને કીધું કે છે ને દિલથી ગરબા રમવા હોય ને તો એને માટે ગુજરાતી થવું પડે, એવું પાગલ પણ આપણે ગુજરાતી હોઈએ ને તો જ આવે, અને ગુજરાતી જો ગરબા શીખવા હોય ને તો એના માટે એક ગુજરાતી ફ્રેન્ડ જોઈએ, પાગલ પણ હોય છે આપણને એવા ગરબા શીખવાડે, શું કેવું? તો બધાને મારી તરફથી અને ગો સાહેબ તરફથી અને અહીંયા આવેલા દરેક આર્ટિસ્ટ તરફથી જય માતાજી। અને આજે 8મું નવરાત્રી છે માતાજીનું, તો અષ્ટમીની બધાને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ, જય માતાજી। खाली इतना ही कहना चाहूंगा कि गो सेलेब ने हमें जो इनवाइट करके यहाँ पर हमें सम्मान दिया है, वी आर थैंकफुल। एंड मिस्टर चिराग शाह जो गो सेलेब के मैनेजिंग डायरेक्टर कह लीजिए या मालिक कह लीजिए, उनको प्यारा सम्मान दिया है, फॉर दैट मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ अपनी तरफ से, अपनी टीम की तरफ से। और मेरे साथ जो चिराग भाई के खासम खास हैं विनोद भाई खड़े हैं। विनोद भाई थैंक यू वेरी मच एंड वी ऑल आर रियली ऑनर्ड टू कम टू दिस प्लेस। और भगवान ने चाह, माँ ने चाह, अगर मौका मिला तो अगले साल भी हम आना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। We'll be right back.
पाने का बारे वी आर वेरी हैप्पी फॉर दिस गिफ्ट एंड वी आर थैंक्स थैंकफुल इट वॉज प्लेजर प्लेइंग ओवर हियर थैंक यू इट वॉज ग्रेट एक्सपीरियंस रियली गुड पीपल हियर क्राउड वॉज रियली सुपर थैंक यू सो मच थैंक यू वी वॉन्ट दिस एज द बेस्ट ग्रुप सो लाइक वी आर रियली हैप्पी फॉर दिस थैंक यू थैंक यू थैंक्स फॉर द गिफ्ट थैंक्स फॉर द गिफ्ट बेस्ट ग्रुप बेस्ट ग्रुप थैंक यू बहुत अच्छा अच्छा बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छा लग रहा है अमेजिंग हमने काफ़ी सारा इन्जॉय किया एंड म्यूज़िक वॉज अमेजिंग एंड आई लव भूमि त्रिवेदी शी इज़ एक्सट्रीमली गुड एंड वो जो गाती है वो उसमें ही अलग मज़ा है सो वी इन्जॉय इट अ लॉट एंड यहाँ के सारे जो जितने भी प्राइजेस वगैरह है वो भी सारे एक्साइटिंग है तो हमारे लिए एक मोटिवेशन हो जाता है सो दैट वी प्ले बेटर बहुत 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 एंजॉय किया नवरात्रि और यहाँ पे आके इतना इतना अच्छा लगा हमको कि एक एक स्टेप ऐसा लगा था कि पैर रुके ही नहीं इतना मज़ा आया हमको बहुत मज़ा आया गोसे लब के साथ थैंक यू सो मच ओके सो आज मैं आया वो एंजॉय करूँ एंड इट वॉज अमेजिंग एंड आई वन द बेस्ट फीमेल प्राइज थैंक यू